ओके फ्रेंड्स, और आज हम अपनी नई वीडियोस, सॉरी ये खुल गया ऐड, तो आज हम अपनी नई वीडियो लेकर आ गए हैं। और आज की वीडियो बनाते बनाते 2999 सब्सक्राइबर है, तो मात्र एक चाहिए। तो जो भी ये पहली वीडियो देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो बेसिकली है कि आप अगर किसी वीडियो में अपनी लिंक डालते हो, मतलब कि किसी को भी लिंक भेजते हो, शेयर करते हो, कोई भी लिंक भेजते हो, उसे डायरेक्टली मत भेजा कीजिए, ठीक है। वो लिंक जो जिसकी भी होगी, जिस एप्लीकेशन की होगी, जिस वीडियो की होगी, जिसकी भी लिंक होगी, वो क्या होगा कि उसे अगर आप डायरेक्टली भेजते हो ना, तो उससे उसका ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बेनिफिट कर सकते हो बाय दी लिंक शेयरिंग, ठीक है। तो लिंक शेयर के लिए मेरे पास तीन वेबसाइट कहो या तीन एप्लीकेशन कहो। पहली मैं बीटली का नाम लूँगा, BITLY। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आप ये खोलोगे तो साइन अप करने के पूछेगा, और साइन अप मैं गूगल से या फिर फेसबुक से, आप जो जिससे भी कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी गूगल से है, सो गूगल से शायद ये फेल हो रहा है, नहीं हो गया, सॉरी गलत ईमेल हो गया। तो गूगल से ये हो सकता है, या फिर ट्विटर से, या फिर फेसबुक से, सो किसी भी से ये काम हो सकता है। तो पहले मैं इसको साइन आउट कर दूं, क्योंकि मेरा एक अलग ही वो है अकाउंट, सो स्मार्टफोन का स्मार्टी का सेपरेट है। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे लोग, मतलब क्या होता है पता है कि लिंक जो है वो डायरेक्टली प्लेस करते हैं। किसी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं तो वो लिंक डायरेक्टली प्लेस करते हैं, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर का देखना है डिस्क्रिप्शन में कि उनकी लिंक जो होती है छोटी छोटी होती है, शॉर्टन्स होती है। मतलब कि क्या होता है कि उस लिंक को खोलने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। मतलब बीटली का अगर आगे जो होता है https://bit.ly/ करके जो कोड बनाता है उससे लिंक का होता है, तो उससे क्या होता है पता है कि वो लिंक डायरेक्टली नहीं खुलती है, मतलब BITLY में जाती है, उसके बाद से बाद में वो वीडियो या फिर ऐप में जाती है। तो उससे क्या होता है कि बीच का जो है वो है एप्लीकेशन काम करती है, और उसका कुछ पैसा, उसका कुछ मनी अर्न करते हैं जो भी ये लिंक बनाते हैं वो। तो यूट्यूब में मैंने 67 जो है, YouTube 60 जो है वो क्लिक मेरे हुए 67। कल ही मैंने ये अकाउंट बनाया और कल ही एक लिंक बनाई जो कि मैंने डायरेक्ट पहले डाली थी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसके बाद मैंने, मुझे ये पता चला तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, और साथ में मैं ये कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये देखिए ऊपर का जो है http://99flixmovies.blogspot.com, अब वो मेन लिंक है, बहुत बड़ी है 2 लाइन की, लेकिन उसको छोटा सा इत्तु सा कर दिया है लिंक का। और उसका एक फ़ायदा होता है कि ये बीच की जो, मतलब डायरेक्टली नहीं वेबसाइट खुलती है, बीच में एक बिटली खुलती है, उसके बाद ये वेबसाइट खुलती है। तो उसका क्या होता है, उसका कुछ पैसा हमें अर्न करने को मिलता है, तो उसका मनी जो है वो हमें अर्न होता है बिटलिंक के पेज में रहने का, कुछ हमें पैसा मिलता है। उसका ही ये सब चीज़ है। तो बिटलिंक एक हो गया, और मुझे शायद इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि जैसे मनी डायरेक्टली मतलब मिलता हो वैसा कुछ, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें क्लिक्स शुरुआत में 1000 क्लिक्स चाहिए इन लोगों को, कि किसी लिंक को 100 1000 बार क्लिक करो, 1000 बार तभी आपको कुछ मनी स्टार्टेड होता है। तो एक यही है, इसका आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और वेबसाइट भी है bit.ly, bitly.,, जैसे आप देख रहे हैं BITLY। दूसरा है एडफ्लाई। एडफ्लाई के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होगा, क्योंकि एडफ्लाई क्या है पता है कि आप किसी भी पिक्चर मूवी को डाउनलोड करने जा रहे हो तो बीच में 5 सेकंड का एडफ्लाई आता है, कोने में एडफ्लाई लिखा होता है, और साइड में राइट हैंड साइड में 5 सेकंड 4 3 2 1 ऐसा काउंटडाउन आ जाता है। तो उसका जो एड डॉट फ्लाई है वो मतलब आ जाता है, तो उसका जो है वो आपको काफ़ी लोगों को पता होगा कि एड फ्लाई काफ़ी आगे है इस तरीके से। शॉर्टन लिंक है, शॉर्टन लिंक्स कहते हैं इनको।
बड़े लिंक को शॉर्ट कर देंगे। और उसका एक फ़ायदा है कि शॉर्ट लिंक हो जाने के बाद भी लोगों को आसानी रहती है लिंक लिखने में, और साथ में वो लिंक का फ़ायदा होता है उस लिंक को बनाने वाले में और वो लिंक को शेयर करने वाले को। तो ये देखिए अर्निंग्स जनवरी 2009, तो यहाँ पर लिंक हमें लिखना है पूरे का पूरा, और श्रिंक करना है, मतलब कि उसे छोटा करना है। उसके बाद और एड्स जो है वो आने लगेगी। इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत ये है कि अगर मैं इस लिंक को कॉपी करूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, किसी भी लिंक को अगर मैं कॉपी करता हूँ, सपोज www.google.com पे मैं ये कर रहा हूँ श्रिंक, सॉरी एडफ्लाई, शायद मैं अपनी स्मार्टफोन का स्मार्टी को मैं शायद वो करूँ, ठीक है, तो मैं उसी चैनल का, मतलब कि अपने ही यूट्यूब चैनल का मैं वो करता हूँ इस लिंक को, यूट्यूब में मेरी जो लिंक है उसे मैं कॉपी करके इसमें लिख देता हूँ। तो होगा क्या, श्रिंक करने के बाद रैंडम या फिर आई डोंट नो कैसे, ठीक है, तो श्रिंक हो गया है और फिर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए tapplan.com/bvtr नाम का एक शॉर्टन लिंक्स बना है। अभी हमें क्या करना है कि इस लिंक को हम देखिए खोल कर देखते हैं एक बार, क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में हमें इसे खोल कर देखना होगा कि ये लिंक खोलने के बाद कहाँ खुलती है। tapplan.com, सो द नेट, देखिए इसमें क्या होता है, एडफ्लाई का एक फंडा अलग ही है कि वो अपना आप खुद का पेज खोलता है जिसमें 5 सेकंड तक वो पेज खुले और एड्स जो है वो लगे रहे। तो देखिए यहाँ पर 0 सेकंड हो गया, आप स्किप ऐड करेंगे तो किसी भी वक्त अगर हमें किसी भी लिंक की शेयर की तो उसका एक वो रहता है डिसएडवांटेजेस एडफ्लाई का, कि लोग बोर हो जाते हैं कि पहले 5 सेकंड हमें एडफ्लाई का पेज खुला रहेगा, लेकिन कोई मूवी डाउनलोड का है और वो सब कुछ है जिसकी लोगों को सख्त ज़रूरत है, तो वो शायद वो 5 सेकंड चलो देख लेंगे एड्स को। तो ये हो गया एडफ्लाई, और हम देखते हैं कि अब एडफ्लाई में एक पेज खुलने का हमें क्या कुछ बदला होते हैं या नहीं, लिंक्स का देख लेते हैं। लिंक्स जो है वो एक ये हो गया है, लिंक्स जो है वो, वैसे मैंने ये बहुत पहले भी अकाउंट खोल रखा था तो शायद इन शॉर्ट ये पहले से था ही मेरा। स्टेटिस्टिक देखते हैं हम, कुछ जनवरी में कुछ है नहीं, जनवरी 2018 में भी कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ चला नहीं था उस वक्त क्योंकि इतने सारे व्यूज़ नहीं थे मेरे पास, लेकिन अगर मैं फ़िलहाल एडफ्लाई का लिंक डालूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी व्यूज़ आएंगे उस पर एडफ्लाई के लिंक शॉर्टन में। तो ये रहा एडफ्लाई, और अब तीसरा जो है वो थोड़ा अलग है, मतलब उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है सेपरेट और उसका कुछ है नहीं, और ये सब चीज़ें जो है ना वो पैसा से, या फिर पैसा से मतलब एडफ्लाई का कुछ ऐसा है कि पैसा से आप पेमेंट कर सकते हो अपने डायरेक्ट अकाउंट में, लेकिन पेपल जो बिटली है उसका पेपल में हो जाता है। तो पेपल तो एप्लीकेशन भी है एक सेपरेट, और पेजा जो है वो वेबसाइट है तो उसका कुछ ऐसा है। और एक जो है वो मैं बताऊंगा कि वो क्या है, वो ZAGL वाला कुछ है, सो ZAGL, ओके मैं लिख देता हूँ। सारी जो है ना वो इसी प्रकार की है, मतलब अलग प्रकार के नाम है, ads.fyfly मतलब लाइक दैट। तो इसका क्या फंडा है मैं ये बता दूँ, इसका वैसे वेबसाइट तो काफ़ी सिंपल दिख रही है, ठीक है, और इसका एक बढ़िया सा वो है कि 100 था मतलब 10,000 व्यूज़ पर आप $100 कमा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इतनी सारी फेमस हो ही नहीं है अब तक, तो ये काफ़ी बढ़िया
वो लग रही है मुझे। और इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो स्मार्ट फोन का स्मार्ट ही लिख देता हूँ, कुछ और नाम फिलहाल लगता नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी वो होती है, मतलब पासवर्ड वगैरह। रुकिए मैं कुछ और, फिलहाल ये अकाउंट जो है वो ना वो चलेगा नहीं मेरा पास, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप ट्राई भी मत कीजिए क्योंकि कोई फ़ायदा होगा नहीं उसका कुछ। लेकिन फिर भी आपका अपना खुद का अकाउंट बनाए, खुद के शॉर्टन्स लिंक बनाए और खुद को शेयर करें दूसरों के साथ। और फिर उस लिंक को डायरेक्टली मत शेयर कीजिए, मारा मेरा कहना ये है कि उस लिंक को डायरेक्टली शेयर मत कीजिए। और फिर अगर आप डायरेक्टली शेयर करोगे उस लिंक को तो क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका भी और आपका भी मेहनत जाएगा। अगर आप करने की खुशी है शेयर करने की तो उसका एक अच्छा नतीजा है, लेकिन अगर आप शेयर करते हो अपने खुद के मतलब फ़ायदे के लिए तो फिर ये करिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका दो फायदा होगा, एक तो आपका अगर यूट्यूब वीडियो शेयर कर रहे हो आप किसी के साथ तो वो यूट्यूब वीडियो देखेगा भी, लेकिन वो इस तरीके से भी देखना चाहेगा कि चलो भाई यूट्यूब वीडियो देख ही रहा है, लेकिन साथ में हम एक लिंक शॉर्टिंग करते हुए है ताकि लिंक के भी हमें पैसे मिले। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे शुरू किया है तो 0-0 है, तो टोटल व्यूज़ तो टोटल अर्निंग्स भी 0। तो यहाँ पर URL लिखना है और फिर शॉर्टन कर देना है और फिर हमें अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें एक बढ़िया है कि 1000 विजिट्स पर आपको $100 मिलते हैं। यूट्यूब वाले कुछ ऐसा लिखता नहीं है कि 1000 व्यू में कितने मिलेंगे, लेकिन 10,000 विजिट्स में इसमें $100 मिल जाएंगे। तो ये मुझे लगता है तीनों में से ये बढ़िया है, Zed.gl जो की है और एडफ्लाई और बिटली। मेरा बिटली ने कल शुरू किया था लेकिन उसमें कुछ दिक्कत ये आती है कि कुछ प्लान्स खरीदना पड़ता है उसमें, जिसके कारण जो चैनल है उसमें मुझे अभी तक तो प्लान्स नहीं खरीदे, लेकिन फ्री में ही मैं लिंक शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यही तक का था वीडियो। तो आप भी अगर अपने लिंक्स को शॉर्ट कीजिए और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिखते हो वही लिंक लिखे, लेकिन शॉर्टन करके लिखिए ताकि आपको भी उसमें से कुछ फ़ायदा हो सके। तो यही बात थी आज फ़ायदे के वीडियोज़ में, और देखते रहिए हमारे वीडियोज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखने के लिए शुक्रिया अंत तक, और साथ में वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए क्योंकि 1 सब्सक्राइबर नीडेड है। देखिए शायद ये वीडियो प्लेस करते करते शायद हो भी जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो प्लेस कर दीजिए। 3000 का टारगेट है, मैंने पिछले 3 वीडियो में भी बोला था, लेकिन देखते हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।